अस्सलाम वालेकुम पाक व्यूअर्स, मेरा नाम है सुनील मंज और मैं आज आपके लिए एक स्टोरी टाइप वीडियो लेके आया हूँ जिसके अंदर हम आपको स्टोरी बताएंगे कि किस तरह मैंने ये गाड़ी खरीदी ना आई एंडेड अप बाइंग दिस कार। अब से तकरीबन थोड़ा सा पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि कराची रजिस्टर्ड गाड़ियाँ जो हैं वो आपको रिलेटिवली अच्छी प्राइस में मिल जाती हैं और मेरे ख्याल से वैल्यू टू मनी होती हैं। सो मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने मुझे बोला कि जी मैं कराची में गाड़ी बेच रहा हूँ और पार्क व्हील्स की एक सर्विस है सेल इट फॉर मी, जिसमें हम आपके लिए आपकी गाड़ी जो है उसकी इंस्पेक्शन करते हैं और फिर हमारी टीम उसके लिए कॉल लेती है और एक हैसल फ्री जो है सेल आपको गाड़ी करके देती है। सो खैर वो मैंने गाड़ी अपने दोस्त की जो सेल इट फॉर मी में डलवा दी और जस्ट एज अ फॉलो अप मैंने अगले दिन अपनी टीम से चेक किया कि यार मुझे उस गाड़ी की रिपोर्ट दिखाओ, उसकी वैल्यूएशन दिखाओ, वो कितनी डिमांड है, वो क्या कर रहे हैं सारा कुछ। सो टू माय सरप्राइज मैंने गाड़ी की रिपोर्ट देखी जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जो कि बहुत एक अच्छी रिपोर्ट थी। 2017 की गाड़ी और उसके अगर हम कंडीशन देखें तो सवाई एक फेंडर के जो कि पेंट नज़र आ रहा था, बाकी तमाम गाड़ी जेन्युइन थी और गाड़ी में थोड़े बहुत स्क्रैचेस थे या गाड़ी डर्टी थी, जिस तरह मैं आपको हमेशा बताता हूं। और इस वीडियो को बनाने का मकसद भी है कि आपको आज दिखाया जाए कि जब मैंने गाड़ी खरीदी वो मेरे पास आई और उसको फिर साफ़ करने में या एक ऐसी प्रेजेंटेबल कंडीशन में लाने में कितना टाइम लगा और कितने पैसे लगे। सो खैर किस्सा मुख्तर ये कि जब मैंने उसकी गाड़ी की वैल्यूएशन देखी तो मुझे बड़ी सरप्राइजिंग सी बात पता लगी। ये 1.8 एल्टस है क्रूज ट्रॉनिक विदाउट सनरूफ, यानी ग्रैंडी जो होती है उसमें सनरूफ होती है, उससे एक पोजीशन नीचे 1.8 क्रूज ट्रॉनिक होती है। बट इसकी जो मार्केट वैल्यूएशन आ रही थी, जो मार्केट की लिहाज से इसकी वैल्यू आ रही थी, वो सेम गाड़ी जो 1.6 है उसकी जितनी आ रही थी। तो मुझे लगा कि बड़ी अट्रैक्टिव प्राइस है, उसी प्राइस के अंदर मुझे 1.8 गाड़ी मिल रही है जिसमें अडैप्टिव हेडलैम्प है, डे लाइट रनिंग है और काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन जो है ज़्यादा है 1.6 से। सो आई एंडेड अप बाइंग दिस कार। अगेन ये गाड़ी जब मेरे पास पहुंची है तो किस कंडीशन में है आप इसको देख सकते हैं। कराची में चलने की वजह से इसकी कई जगह पर रस्ट भी लगा हुआ है, हम आपको दिखाते हैं। एक इसके मोनोग्राम अगर आप देख सकें, मोनोग्राम के ऊपर बहुत ज़्यादा मिट्टी के पार्टिकल्स इकट्ठे हैं। आपको बोनेट खोल के भी दिखाते हैं अंदर से कहाँ कहाँ उसके रस्ट है या कौन सी ऐसी सिचुएशन है जो कि आप इसको रिस्टोर कर सकते हैं। सो अभी ये गाड़ी अड्डे से पहुंची है मेरे पास डायरेक्टली, मैं उसकी आपकी वीडियो बना के ले आया हूँ। मिट्टी आप देख सकते हैं गाड़ी के डिफरेंट जगह पे है। सो अगेन इज़ नथिंग जो रिस्टोर ना की जा सके। बोनेट के अंदर अगर आप देखें तो अगेन जिस तरह मैंने आपको बताया था कराची में, अगर आप यहाँ पर देख सकें तो आपको ये रस्ट नज़र आएगा लोहे के पार्टिकल्स पर। बैटरी की कंडीशन आप देख सकते हैं, यहाँ पे अगर आप देखें तो गाड़ी की सफाई वगैरह मांगती है, एसी के पाइप्स वगैरह सारे डस्टी हैं। तो ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो कि बड़े आराम से रिस्टोर की जा सकती हैं। और जब आप भी गाड़ी लें तो मैं आपको हमेशा ये कहता हूँ कि जब आप गाड़ी की इंस्पेक्शन कराएं तो आप ये देखें गाड़ी की बेसिक्स, उसके पेपर, उसकी डॉक्यूमेंटेशन, उसकी जो मेन चेसिस है, उसका जो फ्रेम है वो डैमेज ना हो, बाकी तमाम ऐसी चीज़ें जो आप देख रहे हैं कि इसके अंदर मिट्टी लगी है या रस्ट लगी है या कहीं भी गाड़ी के अगर कोई काम होने वाले हैं तो वो बड़े आराम से किए जा सकते हैं। सो अभी आप देख सकते हैं कि इसकी जो हालत है, अंदर से भी अगर आपको दिखा सकें तो काफ़ी ज़्यादा मिट्टी है, रफ़ इस्तेमाल की गई थी गाड़ी बिकॉज मेरा ख्याल उन्होंने अपने किसी मैनेजर को दी थी क्या था। बट जनरली गाड़ी की अगर बेसिक हम बात करें तो गाड़ी के जो बेसिक्स हैं, जो उसकी मेन फाउंडेशन है गाड़ी अपनी, बिल्कुल से आप कहते हैं उर्दू में पैरों के ऊपर है। बाकी छोटे बहुत अगर आप यहाँ पे दिखा सकें, लाइटों पे स्क्रैचेस हैं। सिमिलरली पीछे भी अगर आप देखें तो मोनोग्राम के ऊपर भी आपको सारा पार्टिकल डिपॉजिट नज़र आएंगे। बट ये तमाम ऐसी चीज़ें जो बड़े आराम से रिस्टोर हो सकती हैं। इस वाले मोनोग्राम की भी अगर आप हालत देखें बहुत बुरी है। बम्पर जो है मेरा ख्याल है पेंट होने वाला है, इसके ऊपर अभी स्क्रैचेज हैं काफ़ी ज़्यादा। इसके अलावा एक और चीज़ जो पार्क व्हील्स रिपोर्ट में बड़ी क्लियरली मैंशन थी वो इस गाड़ी के टायर हैं। देखने में आपको एक नेकेड आई से टायर बिल्कुल ठीक लगते हैं, बट रिपोर्ट के मुताबिक इस गाड़ी के टायरों की जो लिमिट ख़त्म हो चुकी है और मैंने इसको चला के भी देखा है तो उसके टायर जो है आवाज़ दे रहे हैं। सो अभी इनिशियली सबसे पहला काम जो मैं इस गाड़ी पर करूँगा, मैं इसको डिटेलिंग कराऊँगा, इसकी बैटरी चेंज कराऊँगा, उसके बाद इसके टायर चेंज कराएंगे और इंशाल्लाह ताला आपके लिए एक फाइनल इसकी जो फॉर्मेट है, जो उसकी कंडीशन फाइनल आएगी वो भी आपके लिए लेकर आएंगे। सो पूरी वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि जब भी आप गाड़ी लेने लगें, गाड़ी की इंस्पेक्शन करवाएं, इससे आपको दो फायदे हैं कि आप यहाँ बैठे हुए किसी भी शहर में, जहाँ भी आप बैठे हैं, आप दूसरे शहर में गाड़ी ले सकते हैं बड़े आराम से, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपको एग्जैक्टली पता होगा कि आपने गाड़ी जब ली है तो वो किस कंडीशन में है, कि डिटेल आपको रिपोर्ट मिलेगी, क्या क्या उसमें काम रिक्वायर्ड है। और तीसरी चीज़ मेरा बनाने का मकसद ये है कि सिर्फ गाड़ी की ज़ाहरी अपीयरेंस के ऊपर कि गाड़ी गंदी हालत में है या उस पर थोड़े बहुत काम होने वाले हैं, उस चक्कर में लोग जो है वो गाड़ी छोड़ देते हैं, जबकि उसी गाड़ी को जब हम आपको बाद में दिखाएंगे तो आप देखेंगे कि वो गाड़ी कितनी अट्रैक्टिव हो जाती है। सो व्यूअर्स, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैंने गाड़ी कराची से ली थी, लेने की वजह ये हुई थी कि गाड़ी जिस प्राइस में मिल रही थी इससे महंगी 1.6 कार मिलती थी, 1.6 एल्टस, ये 1.8 हार्ड टॉप एल्टस थी। तो हमने ली थी, इसकी क्या सूरत हाल थी, अब इसके बाद में आप देख सकते हैं कि इसकी आफ्टर जो है हमने जो उसकी डिटेलिंग कराई, थोड़े बहुत काम मैंने आपको बताया था, इसके टायर नए डले, पिछला बंपर पेंट होने वाला था, मोनोग्राम से बहुत ज़्यादा रस्ता, तो मैंने कोशिश की है कि इसको जो है एक ऐसे लेवल पर लेके आ जाए कि जो इंसान आराम से यूज़ कर सके। और अगेन पॉइंट ये था कि मुझे लगता है कि ये गाड़ी वैल्यू टू मनी इस लिहाज से कि बीइंग अ बेटर वेरिएंट देन 1.6, इसके अंदर DRLs हैं, बायज़ीनॉन हेडलैम्प्स हैं, सेल्फ लेवलिंग हेडलाइट्स हैं,
फ्रंट कैमरा, रिवर्स कैमरा, ये तमाम ऑप्शंस हैं। एंड्रॉयड हेडसेट है जो कि इसमें नहीं आता 1.6 में। टायर मैंने इसमें ब्रांड न्यू डाल दिए इसके टायर, क्योंकि इस 57,000 किलोमीटर ड्रिवन तो ख़त्म थे, वो डाले हैं नए। बाकी आपको इसका बोनेट भी दिखाते हैं, पहले आपने देखा था किस हालत में था, अब देखते हैं किस हालत में है। सो ये मकसद यहाँ पे भी अगर आपको याद हो तो बहुत ज़्यादा निशान थे इस गाड़ी के और बहुत गंदी हालत में थी। अभी देखें, इट्स एज़ गुड एज़ न्यू। इसका हर काम, कोई ऐसी चीज़ नहीं जो काम होने वाला, डिटेलिंग थी वो मतलब दोबारा मिट्टी पड़ गई है बिकॉज बारिश बुरिश होती रही कल, लेकिन ऐसी कोई चीज़ नहीं जो गाड़ी की रिस्टोर ना हो सके। सिमिलरली अगर आप इंटीरियर में आ जाएँ, सो उसमें भी मिट्टी थी। ये मैट अभी चेंज करने का मेरा प्लान है बिकॉज मुझे अच्छे लग रहे, पीले से हो गए। बट जनरली जो इसकी ओवरऑल एक लुक थी जो पहले गाड़ी की थी, आप अब देख सकते हैं किस हालत में है। सिमिलरली अगर आप पीछे साइड पे आ जाएं तो इसका बम्पर यहाँ पे निशान था, वो पेंट हो गया, बम्पर पेंट हो गया है। इसके मोनोग्राम्स आप देख सकते हैं कि पहले बहुत ज़्यादा रस था, अभी भी इसमें थोड़ा बहुत है बिकॉज ये मैं इसको खुद करने की कोशिश कर रहा हूँ DIY प्रोडक्ट लगा के। तो पॉइंट ये है कि मेरे ख्याल से कोई भी गाड़ी आप लें, उसको आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक विद इन अ डे और टू, मेरा ख्याल है मैक्सिमम, मुझे इसके ऊपर एक दिन भी नहीं लगा। वीकेंड का टाइम था, टायर चेंज हुए, गाड़ी को डिटेल किया, खुद ही घर पे डिटेल भी कर लिया, गाड़ी आपके सामने एक प्रेजेंटेबल हालत में है। जब ली थी तो बड़ी बुरी हालत में थी, बट थैंक्स टू पार्क व्हील इंस्पेक्शन सर्विस, कराची में गाड़ी थी, मैं लाहौर में था, और जिस तरह गाड़ी उन्होंने मुझे बताई 100% वैसे थी। मैंने पार्क व्हील इंस्पेक्शन सर्विस में मुझे बताया गया था कि इसके टायर वीक हैं, मैंने टायर नहीं डलवा दिए, जो जो चीज़ इसकी यहाँ पे मोनोग्राम पे रस्ता है, मुझे एक एक डिटेल तस्वीर मिली थी। सो आई वॉज़ प्लेइंग अ ब्लाइंड कॉल, मैंने 100% इन्फॉर्म डिसीजन लिया था और मेरे ख्याल से ये पे ऑफ किया बिकॉज मैं ये गाड़ी 29 लाख रुपए में 1.8 एल्टस जो है गाड़ी खरीद के खड़ा हूँ, जो कि 1.6 एल्टस से भी सस्ती प्राइस है। सो अगर आप कोई भी गाड़ी लें और उसके मोनोग्राम खराब हो, तो इसलिए मैंने अभी ये शूट के वक्त ही अभी लगाया बिकॉज वो प्रोडक्ट मुझे अभी मिली है, मैंने पार्क व्हील ऑटो शॉप पर ऑर्डर की थी, ऑटो क्लेम की प्रोडक्ट है और आप वीडियो में देख सकते हैं। उस प्रोडक्ट को मैंने लगाया और उसने इसके सारे रेजिड्यू जो है उसको निकाल दिया है, और मेरा ख्याल है कि इसको मैं थोड़ी देर के लिए लगा रहने देता तो इसका रिजल्ट इससे भी बेहतर हो सकता था। सो अगर आप भी अपनी गाड़ी के लिए कोई भी प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं तो पार्क व्हील ऑटो स्टोर के ऊपर जाके अपनी मर्जी की जो प्रोडक्ट है उसको प्लेस करें। 100% जो उसकी क्वालिटी है वो पार्क व्हील गारंटी करता है, उसकी डिलीवरी पार्क व्हील गारंटी करता है, और आप स्कैम से बच सकते हैं। ऑर्डर प्लेस करने के लिए हमारी ऐप को डाउनलोड करें, iOS और एंड्रॉयड दोनों के ऊपर मौजूद है। ये थी आज की वीडियो, अगर आपको पसंद आए लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राह से आगाह करते रहा करें। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आपको आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने दोनों वाकिलों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।